स्टूडेंट्स वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैर आफियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नए मौजूद के साथ नई दिलचस्पियों के साथ आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ डियर स्टूडेंट्स रिकॉल योर मेमोरी प्रीवियस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान को डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन का मतलब तहफ़ होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब जंगली हयात या जानवरों और जानदारों की जिसमें पौधे भी शामिल हैं मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं ये स्टूडेंट्स बायोडावर्सिटी के तहफ के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये एक करंट इशू है ये एक होट इशू है पूरी दुनिया के लिए ये एक मसले की हैसियत रखता है और ये एक ग्लोबल इशू होने के नाते दुनिया भर के तमाम साइंसदानों की तवज्जो का बुनियादी मरकज है दुनिया भर के साइंसदान इस बात की कोशिश में हैं दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिसी मेकर्स को एम्फेसाइज करते हैं इंसिस्ट करते हैं उनसे इस बात का इसरार करते हैं वो की सतह के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ऐसे कवानी वजा करें जिसके नतीजे में बायोडाइवर्सिटी के तहफ को मुमकिन बनाया जा सके तक पाकिस्तान, का है, पाकिस्तान एक जरखेज़ मुल्क है पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है पाकिस्तान में जंगली हयात मौजूद है पाकिस्तान में जंगलात पाए जाते हैं और घने जंगलात पाकिस्तान के खैबर पख्तनखा में मौजूद हैं पाकिस्तान में खैबर पख़्तूनख़ा के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। डे स्टूडेंट्स ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जहाँ ये जंगलात पाए जाते हैं वहीं जंगली हयात भी पाई जाती हैं अगर हम बात करें इनकी कंजरवेशन के हवाले से इनकी बका और इनके तहफ़ के हवाले से हकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्लान डेवलप किए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और मुख्तलि स्ट्रेटजीज डि ताकि पाकिस्तान में मौजूद कुदरती वसाइल के तहफ को मुमकिन बनाया जा सके मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर IUCN और इसी तरह WWFP जिसे वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर पाकिस्तान कहा जाता है इन्होंने पाकिस्तान की पहली रेड लिस्ट डेवलप की जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज को एनलिस्ट किया गया था इसी तरह से पाकिस्तान में चलगोजे के बड़े जंगलात पाए जाते हैं कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बलूचिस्तान के अंदर इनकी बका और तहफ के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसी तरह से मारखोर पाकिस्तान में में हजार गंजी नेशनल पार्क कोयटा के अंदर पाई जाती है और इनकी बका के लिए भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसी तरह से नॉर्डर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसका मकसद भी पाकिस्तान में मौजूद बायोडावर्सिटी के तहफ को मुमकिन बनाना था हकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जिसमें सर फहरिस्त शामिल हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी का इनका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लॉन्च किए इसी तरह स्ट्रेटीज डेवेलप की इसी तरह कवानीन वजह किए ताकि मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद बायोडावर्सिटी के तहफ़ को मुमकिन बनाया जा सके डर स्टूडेंट्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के हवाले से जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं इनकी डेफिनेशन आपके इल्म में होनी चाहिए एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी नस्लें हैं जानदारों की कि जिनके बारे में ये खतरा मौजूद हैं कि मुस्तकबिल करीब में ये खत्म हो सकती हैं मादूम हो सकती हैं एक्सटेंट स्पीशीज कंसीडर की जा सकती हैं डेफिनेशन आप यू कर सकते हैं दीज आर द स्पीशीज ट आर इन द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर यानी जानदारों की ऐसी स्पीशीज जिनके बारे में ये खदशात हैं कि मुस्तबिल करीब में ये एंडेंजर्ड स्पीशी से थ्रेटेंड स्पीशी से एक्सटेंड स्पीशी में तब्दील हो सकती हैं जिनका आखिरी मेंबर भी खत्म हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं जिन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशी कंसीडर कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी मिसालें चीता है इसकी मिसालें लाइन है इसकी मिसालें डियर है यहां पर कुछ मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इंडस डॉल्फिन नंबर वन उसके बाद मार्कोपोलो शीप नंबर टू इसी तरह उसके साथ तीसरे नंबर पर होबारा बस्टर्ड ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स ये तीन मिसालें हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की हैं पाकिस्तान में पाई जाने वाली जानदारों की उन नस्लों की हैं जो बहुत कम रह गई हैं जिनके बारे में ये खदशात मौजूद हैं कि मुस्तबिल करीब में ये खत्म हो सकती हैं आइए इन तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन इंडस डॉल्फिन की बात की जाए इसका हैबिटेट क्या है ये फ्रेश वाटर में रिवर्स में पाई जाती है अगर हम इसकी नेचर की बात करें ये एनिमल्स के उस ग्रुप से बिलोंग करती है जिन्हें मेमल्स कहा जाता है अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में ये डॉल्फिन इंडस रिवर में पाई जाती है यह स्टूडेंट्स इंडस रिवर दरियाए सिंध को कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर बहने वाला सबसे बड़ा दरिया है इसका मंबा क्या है इसका माखस क्या है इसका ओरिजिन क्या है ये दरअसल कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है वहां मौजूद बर्फ के पिघलने से नदी नालों की शक्ल में तब्दील हो जाता है ये गिलगित बल्तिस्तान से बहता हुआ ये कश्मीर से बहता हुआ दरियाए सिंध में तब्दील हो जाता है जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं जो कि बहरे हिंद का हिस्सा है स्टेटस की बात की जाए माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन के सिर्फ 600 एनिमल्स रिमेनिंग हैं, बाकी रह चुके हैं स्टूडेंट्स ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और खतरे की घंटी है कॉजेस की बात की जाए इनकी तादाद कम होने की वजह पॉल्यूशन हैबिटेट लॉस है इसी तरह से वाटर पॉचिंग है प्लास्टिक के लिफाफे और थैले जो कि पानी में डिस्पोज किए जाते हैं पानी की आलूदगी में इजाफे का बायस बनते हैं वो भी इनकी मौत का सबब बन सकते हैं आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की है मार्कोपोलोशीप स्टूडेंट्स मार्कोपोलो मार्कोपोलोशीप की बात की जाए शीप कहा जाता है भेड़ को मार्कोपोलो शीप पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली एक भेड़ की किस्म है एक नस्ल है और यह पाकिस्तान में पाई जाती है कुंजराब के इलाके में और उसके इर्द गिर्द के एडजॉइनिंग एरिया में अगर हम बात करें इसके स्टेटस की अलार्मिंग स्टेटस है इनकी तादाद भी कम होती चली जा रही है अगर हम इनकी कंजर्वेशन की बात करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान ने इसकी बका के लिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं हबारा बस्तर स्टूडेंट्स जैसा कि मार्कोपोलो शीप का हमने तस्करा किया इसकी बका के लिए भी नेशनल पार्क डेवलप किया गया है जिसे खुजरा नेशनल पार्क कहा जाता है इसी तरह होबारा बस्टर्ड की बात की जाए ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये ऐसे परिंदे हैं जो कि हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करते हैं रूस के सख्त सर्द इलाकों से इनका स्टेटस क्या है प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये हिजरत करते हैं तो हर एक मिलियन में से दो लाख ऐसे हैं कि जो शिकार कर लिए जाते हैं आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हैबिटेट की की बात जाए, ये परिंदे रूस के सर्द इलाकों से हिजरत करके आते हैं पाकिस्तान में और थर्ड और चौलीस्तान के सहराओं में आकर के क्याम करते हैं ये परिंदे उन इलाकों से मूव करते हैं जहां शदीद किस्म की जमा देने वाली सर्दी होती है ये वो इलाके हैं जो रूस का हिस्सा थे किसी जमाने में लेकिन आज आजाद रियासतों की शक्ल में मौजूद हैं जिन्हें हम वस्ती एशियाई रियासतें कहते हैं अजबकिस्तान करगजिस्तान ताजकिस्तान तुर्कमानिस्तान अजरबैजान ये वो रियासतें हैं जो किसी वक्त में रूस का हिस्सा हुआ करती थी इनको हम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी कहते हैं सबिका रशिय इलाके कहते हैं लेकिन आज ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं यहाँ बहुत ज्यादा शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है और इस मौसम में ये परिंदे वहां से हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करते हैं चित्राल आते हैं थर और सोलिस्तान के सहराओं का रुख करते हैं रस्ते में इनकी बड़ी तादाद का शिकार कर लिया जाता है इसकी बका भी खतरात का शिकार है इसकी बका के लिए डब्ल्यू ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं जिसका मकसद इनको बचा के रखना है इनके तहफ को मुमकिन बनाना हैजेज की बात की जाए दरअसल इनके खत्म होने की बड़ी वजह हंटिंग है है इनका शिकार किया जाना है। पाकिस्तान को चाहिए, हकुमतों को चाहिए चाहिए जानदारों की नस्लों के के लिए शिकार पर पाबंदी लगाई जाए उनके तहफ़ को मुमकिन बनाया जाए ताकि इकोसिस्टम के बैलेंस को मेनटेन रखा जा सके डर स्टूडेंट्स यहां पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलू बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके इल्म में होनी चाहिए एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौमी जानवर मारखोर है इसी तरह आपको पता होना चाहिए हमारा कौमी परिंदा चकौर है डे स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है इम्तहान में सवाल का हिस्सा बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सवाल आ चुके हैं। नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड के बारे में बताइए आपने जहन में रखना है नेशनल एनिमल मारखोर है नेशनल बर्ड चोकोर पेट्रेज है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जहां हर किस्म के मौसम पाए जाते हैं यहाँ आपको सर्दी भी मिलेगी यहाँ आपको गर्मी भी मयसर आएगी यहाँ बहार का मौसम भी मौजूद होता है यहाँ खजा का मौसम भी आता है हर मौसम के अपने रंग हैं और हर मौसम की अपनी अफादियत है ये अल्लाह ताला की एक नेमत है यहां पर मैदान भी हैं यहाँ पर सहरा भी हैं यहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियां भी हैं यहाँ पर चटियल मैदानों के साथ रेतले सहराओं के साथ पहाड़ी इलाकों के साथ सतह मुर्तफा के इलाके भी हैं जिन्हें हम प्लेटियो कहते हैं जिन्हें हम सतह मुर्तफा कहते हैं जहाँ कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले हैं और कहीं जमीन मौजूद है कहीं मैदान पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर जंगलात कसरत से पाए जाते हैं लेकिन अलमिया ये है कि इनकी बका और तहफ खतरा से दो चार है मसला ये है आवाम में शूर और आगाही नहीं है वजह यह है सरपरस्ती नहीं है बुनियादी सहूलियात की फराहमी नहीं है और लोग गैस की अदम फराहमी की वजह से जंगलात के दरख्तों को काट करके लकड़ी को जलाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अलमिया ये है कि हकूमती कवानीन पर दारी ना होने की वजह से जंगलात का कटाव किया जाता है होटल इंडस्ट्री को डेवेलप करने के लिए घरों की आबादकारी के लिए लेकिन उसकी मुतबाद के तौर पर दरख्त नहीं लगाए जाते हैं ये है कि हकुमत की की सरपरस्ती ना होने वजह से, दरख्तों के खत्म होने की वजह से जंगलात के सुखड़ने की वजह से वहाँ मौजूद जंगली हयात मुतासर हो रही है आलूदगी में इजाफा हो रहा है माहौलिया मसायल गुजरने के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं जरूरत इस बात की है कि हुत वक्त इस जरूरत का एहसास करते हुए बुनियादी इकदाम उठाए जो कवानी वजह किए जा चुके हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान अल्लाह की नियमत है हमें इसकी कदर करनी चाहिए अल्लाह तला मेरा आपका और हमारे पाकिस्तान का हामीनासर हो अल्ला हाफि